So hey guys, welcome to random one. So now I'm going to teach you the practical ones of the university practical. So let's go ahead and check this out. So this is for object oriented programming subject for FIBACIT SEM2 Mumbai University only. So let's go ahead. So this is the question. So let's read the question. Design the class demo which will contain the following methods: read number, factorial for calculating the factorial of a number, reverse number will reverse the given number, isPalindrome will check the given number, isPalindrome, isArmstrong which will calculate the given number is Armstrong or not, where read number will be a private method. So as per तो जैसे कि 1B में था read number हमें private बनाना है, तो वहाँ पे भी हमने student का जो था एक part हमने private बनाया था और उसको public function में वही class में public function में कॉल किया था. तो ये जो प्रोग्राम है इसमें जो हमें ध्यान देने वाली बात है इसमें है रीड नंबर मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे. जैसे कि अभी हम एक ही नंबर लेंगे यहाँ से यूज़र से, और उसके बाद देखा जाए तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होएगा. रिवर्स नंबर जो है हम जैसे कि नंबर 3 to 1 है तो हम उसको रिवर्स करके 1 to 3 जो है हमें वो आउटपुट देना है. और पैलिंड्रोम मेथड यूज़ होएगा और आर्मस्ट्रांग मेथड यूज़ होने वाला है इस प्रोग्राम में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फैक्टोरियल जो है आपको पता ही होगा, आपने 9th-10th में किया ही होगा, 9th-10th या 11th-12th में. जैसे कि एन जो होता है, जो नंबर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 5 factorial, तो 5 जो नंबर है वो नंबर और उसके प्रेसिडेंस ऑर्डर्स में, मतलब रिवर्स ऑर्डर में जो भी नंबर है वो सब मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि अभी इधर 10 नंबर रहता है एग्जाम्पल में, तो मल्टीप्लीकेशन जो होता फैक्टोरियल जो होता, तो वो फैक्टोरियल का आंसर रहता 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. तो जो है जो भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसे हमें रिवर्स ऑर्डर में पहले हमें उसे जनरेट करना है, और उसके बाद जो है एक एक नंबर मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके हमें उसका फैक्टोरियल मिलेगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया फैक्टोरियल. अब देखते हैं पैलिंड्रोम. तो पैलिंड्रोम जो है वो रिवर्स करने पर भी सेम रहता है. जैसे कि आप देख सकते हैं 11 जो मैंने एग्जांपल दिया है, 11 121 2002 एंड 1 2 3 2 2 1 एट्सेट्रा. सो 11 जो है आप अगर अभी इसे रिवर्स भी करेंगे तो 11 ही रहेगा, 1 2 1 भी वैसे ही, अगर आपने रिवर्स भी किया तो 1 2 1 ही रहने वाला है. तो बेसिकली पैलिंड्रोम है कि आप चेंज करेंगे, रिवर्स भी करेंगे उसे तो सेम रहेगा. जैसे कि अभी तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं 12762 जो नंबर्स है वो पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि अभी 12 को हमने रिवर्स किया तो 21 है, तो सेम नंबर नहीं आ रहा है. पैलिंड्रोम मीन्स उसे जो नंबर होता है उसे रिवर्स करने पे भी सेम आने पे उसे कहते हैं पैलिंड्रोम. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. तो ये है आर्मस्ट्रांग. आर्मस्ट्रांग जो है एक नंबर, जो भी नंबर होता है, जो जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें उनका क्यूब और एडिशन होता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है 153, तो इसे हमें 1 का पहला क्यूब करना है, फिर 5 का क्यूब करना है, फिर 3 का क्यूब करना है. इन सभी का क्यूब आने के बाद हमें इन सभी क्यूब के नंबर को ऐड करना है, फिर तब जाके हमें एक आर्मस्ट्रांग नंबर मिलता है. आर्मस्ट्रांग में आर्मस्ट्रांग जैसे कि अभी आप मैंने सब प्लस करने का 153 दिया है और 153 ऊपर मैंने लिया है, तो ये जो नंबर है सेम आना चाहिए. जो आर्मस्ट्रांग नंबर रहेगा वो उसे क्यूब और प्लस करने के, एडिशन करने का जो भी आउटपुट आएगा वो सेम रहना चाहिए एज सेम नंबर, जैसे कि 153 था. तो फ्लो ऑफ प्रोग्राम ये है. तो पहले हमें क्लास क्रिएट करना है, जैसे कि हम करते हैं, ये सी ओप्स में कॉमन चीज़ हो गई है. और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है. यहाँ पे हम एक एन करके वेरिएबल लेंगे या नंबर कुछ भी ले सकते हैं जो हम रीड नंबर के फंक्शन मेथड के अंदर यूज़ करेंगे, जिससे हम यूज़र से इनपुट लेंगे. फिर उसके बाद फैक्टोरियल मेथड के अंदर जो रहेगा फैक्टोरियल का उसका फंक्शन लिखेंगे, रिवर्स नंबर में रिवर्स करने के लिए नंबर का फंक्शन लिखेंगे, और पैलिंड्रोम इस पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रांग में भी सेम उसके फंक्शंस के कोड लिखेंगे. फिर क्लोज क्लास करेंगे विथ सेमीकोलन. फिर उसके बाद हमें जो है वाइड मेन लिखना है. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रीड नंबर जो है वो प्राइवेट मेथड है, तो उस मेथड को हमें हर जगह पे कॉल करना, मींस हर दूसरे फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा. रीड नंबर जो है वो प्राइवेट है, और बाकी फैक्टोरियल, रिवर्स नंबर, इस पैलिंड्रोम और इस आर्मस्ट्रांग जो है वो पब्लिक मेथड है. तो हर एक जगह पर हमें वो रीड नंबर मेथड जो है वो कॉल करना पड़ेगा. तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो and please subscribe to my channel for more videos like this. So now let's go ahead.
तो हम जो है अभी कोड की तरफ बढ़ते हैं, तो हम जो है वो कोडिंग साइड आ चुके हैं। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होने वाला है, और इसके बाद कोनियो है जो ये दो, ये जो दो है वो बेसिक हेडर फाइल से हमें जो उसमें यूज़ करने हैं यूज़ करते हैं। और इसके बाद चलिए हम क्लास डेमो बनाते हैं, जैसे कि उसमें दिया हुआ था कि हमें क्लास डेमो बनाना है क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने डेमो बना लिया है। तो इसके बाद चलिए इसके अंदर का फंक्शन अभी लिखते हैं, कोड लिखते हैं। तो ये जो है हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें इसे सेमी कोलन यूज़ करना है क्लास क्लोज करने के लिए। इसके बाद हम जो है इंट नंबर को इनिशियलाइज करते हैं, जो हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करेंगे। वैसे ही मैं आर ए भी यूज़ करूँ कर रहा हूँ, जो है वो यूज़ होएगा यूज़र रिवर्स करने के लिए, या फिर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए रहता है रिवर्स करने के लिए, या पैलिंड्रोम यूज़ करने के लिए, या आर्मस्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैंने ये ले लिया है। तो इसके बाद चलिए प्राइवेट बनाते हैं, प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करते हैं प्राइवेट मेथड बनाने के लिए। रीड नंबर जो है वो मेथड है, और मैं वॉइड कर देता हूँ इसे, वॉइड रीड नंबर। इसके बाद हमें इसके अंदर जो फंक्शन लिखना है वो है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो चलिए मैं लिख देता हूँ सी आउट फिर डबल कोट्स एंटर नंबर। जो है मैं अभी यूज़र से यहाँ पे यूज़र से मैं इनपुट ले रहा हूँ। इसके बाद हमें सी इन करके जो है नंबर का रिप्रेजेंट करना है, फिर इसे क्लोज करके हमें पब्लिक मेथड के पब्लिक कीवर्ड यूज़ करके आगे जो भी मेथड है हम पब्लिक यूज़ कर पब्लिक बनाने वाले हैं। और जो फैक्टोरियल इंट जो है वो डेटा टाइप मैंने लिया यहाँ पे, रिटर्न टाइप जो है हम यूज़ कर सकते हैं वॉइड, और फिर इंट इंट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंट ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न जो है मैं रिटर्न करने वाला हूँ। अगर आपने देखा होगा तो वॉइड में हम गेट सी एस यूज़ करते हैं लास्ट में, यहाँ पे रिटर्न यूज़ करते हैं या इंट रहेगा तो। तो चलिए इसके बाद हम जो है इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल को, इंट आई कॉमा एफ इक्वल टू 1। फिर उसके बाद जो है हम अगले लाइन में रीड नंबर को भी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो जो प्राइवेट है वो हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसे वॉइड मेन में कॉल नहीं कर सकते हैं। आई इक्वल टू 1 फिर सेमी कोलन आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर। नंबर जो है मैंने ऊपर क्रिएट किया था, आपको ज़रूर पता ही होगा, मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने क्रिएट किया था। तो चलिए फॉर लूप के अंदर अभी मैं जो है मेन जो फैक्टोरियल का कोड है मैं वो लिख देता हूँ, एफ इक्वल टू एफ स्टार आई। तो एफ जो है वो स्टार्टिंग का वेरिएबल है जो हमने इनिशियलाइज किया है पहले ऊपर। तो इसके बाद फॉर लूप क्लोज होने के बाद हमें रिटर्न एफ करना है, जिससे जैसे कि मैंने बोला था अगर वॉइड यूज़ कर रहे हो तो हम गेट सी एच यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इंट यूज़ किया है इसलिए मैं रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम इंट रिवर्स का कोड लिखेंगे, इंट रिवर्स एक मिनट, रिवर्स रिवर्स नंबर। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर जो है क्योंकि मैंने एक बार ऊपर पब्लिक दे दिया है तो इसे बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसके बाद इंट टेम्प बनाते हैं, मतलब टेम्परेरी के लिए एक नंबर लेने वाले हैं जो हम यूज़ करेंगे, और वो जो नंबर रहेगा वो यूज़र का इनपुट रहेगा। तो हमने इसलिए नंबर को वेरिएबल का वैल्यू टेम्प में दे दिया है, और आर ई वी इक्वल टू 0 यहाँ पे इनिशियलाइज किया है हमने। जो था वो सिर्फ ऊपर जो था हमने सिर्फ उसे डिक्लेयर किया था, और यहाँ पे हम जो है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसके बाद हमें सेमी कोलन डाल के फिर उसके बाद हमें वाइल फंक्शन वाइल लूप यूज़ करना है। तो चलिए वाइल यूज़ कर लेता हूँ, वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद चलिए आगे जाते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन जब तक लूप चलते जाएगा जब तक वो इक्वल टू 0, ये लूप जो है वो चलते जाएगा जब तक टेम्प जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होता। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, आर ई वी इक्वल टू आर ई वी जो है कीवर्ड मैंने ऊपर बनाया था। तो चलिए इसके बाद लिखते हैं 10 प्लस टेम्प परसेंटेज 10, एंड उसके बाद जो है टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10। तो ये जो है मेन लॉजिक है नंबर को रिवर्स करने के लिए, और ये आपको सभी प्रोग्राम में यूज होने वाला है।
अब इसे जो है आगे के सब्जेक्ट्स जैसे कि जावा और पाइथन में भी यूज़ करने वाले हैं इस ये जो फंक्शन, ये जो फंक्शन है उसे आप आगे भी यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने रिटर्न कर दिया है यहाँ पे। तो चलिए इसके बाद मैं जो है फैक्टोरियल हो चुका है, अभी रिवर्स नंबर हो चुका है, तो चलिए अभी पैलिंड्रोम का बनाते हैं। इंट इज पैलिंड्रोम, तो फिर ओपन ब्रैकेट, ओके सॉरी मैंने इधर स्पेस छोड़ दिया, चलिए हाँ हो चुका है। फिर जो है मैंने पैलिंड्रोम का फंक्शन बना लिया है, फंक्शन बना लिया है। चलिए इसके अंदर हम अभी लॉजिक ले लेते हैं यूज़र से। पहला रीड नंबर करना है, पहले हम रिवर्स नंबर जो है, तो जो पैलिंड्रोम का फंक्शन है जैसे ही मैंने बोला था रिवर्स नंबर के लॉजिक के जैसे सेम है, तो इसलिए मैं सिर्फ रिवर्स नंबर कॉल कर रहा हूँ। ये जो फंक्शन है, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फंक्शन है ये सेम टू सेम फंक्शन यहाँ पे भी यूज़ होता है पैलिंड्रोम में। जैसे कि मैंने बताया था कि रिवर्स करने पर भी नेम नंबर सेम रहता है, तो ये जो है नंबर सेम ही रहेगा, तो इसलिए बार बार लिखने से अच्छा हम उसी कोड को ऊपर जो हमने लिखा था उसी कोड को हम यूज़ कर लेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं, ये जो था रिवर्स नंबर का जो है ये फंक्शन था, तो यही फंक्शन जो है हम यहाँ पे कॉल करके हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इफ कंडीशन में डालना है कि अगर इक्वल इक्वल टू 0 रहा तभी ही वो जो है रिटर्न 1 मीन्स पैलिंड्रोम करके रहेगा, वरना पैलिंड्रोम नहीं रहेगा। तो चलिए रिटर्न नंबर करना है हमें, और इसके बाद हमें इफ कंडीशन डालना है रिटर्न 1, और उसके बाद हम जो है एल्स पार्ट ओपन करेंगे, फिर एल्स में लिखना है रिटर्न 0। फिर ये होने के बाद हमें फंक्शन को क्लोज करना है, फिर उसके बाद जो है हमें ये करना है इंट आर्मस्ट्रांग का बनाना है, इंट इज आर्मस्ट्रांग। तो चलिए इसका भी मैं बना देता हूँ अंदर, तो इसका भी लॉजिक जो है वो है कि नंबर का क्यूब हो के और एडिशन जो है वो सेम रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे पहला जो है मैं रीड नंबर फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद जो है हम अगला है हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है इंट डी टेम्प इक्वल टू नंबर जो यूजर नंबर देने वाला है, और सम इक्वल टू जो है वो जो 0 लेंगे। तो इसका चलिए वाइल कंडीशन डाल देते हैं, वाइल टेम्प इक्वल टू टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके अंदर जो है वाइल कंडीशन के अंदर जो है अभी हम कंडीशन लिखने वाले हैं, तो चलिए कंडीशन लिख देते हैं। ओ सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, ओके सो लेट्स गो अहेड एंड चेक दिस वन आउट। तो डी इक्वल टू टेम्प परसेंटेज 10, फिर इसके बाद सम प्लस इक्वल टू, ये जो सम प्लस इक्वल टू है ये एक ऑपरेटर है, आपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में ये एक ऑपरेटर टाइप है। तो जैसे कि मैंने लॉजिक बताया था मल्टीप्लिकेशन होएगा, उसके बाद हमें एडिशन करना है, तो सम जो है वो एडिशन में यूज़ हो जाएगा, और फिर उसके बाद में टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10 करना है हमें, फिर उसके सेमी कॉलन, फिर इसके ये क्लोज होने के बाद हमें इफ कंडीशन डालना है कि चेक करने के लिए कि नंबर रेंज में बराबर उन्होंने यूज़र ने इनपुट दिया है कि नहीं। तो इफ में डाल देता हूँ मैं रिटर्न 1, क्योंकि मैंने इंट वेरिएबल इंट मेथड बनाया था तो इसलिए मैं रिटर्न यूज़ कर रहा हूँ, या वरना रिटर्न 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें जो है क्लास क्लोज करना है, क्लास क्लोज करने के बाद हमें जो है वॉइड मेन फंक्शन बनाना है, वॉइड मेन, चलिए वॉइड मेन बना लिया है मैंने। और इसके बाद हम जो है क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन है उसे क्लियर करने के लिए ये यूज़ होने वाला है। उसके बाद हमें जो है क्लास का इनिशियलाइज करना है, क्लास का वेरिएबल बनाना है, तो वो मैंने बना लिया है। तो चलिए इसके बाद सी आउट लिखते हैं, हम आउटपुट को जो है वो यहाँ पे प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल, पहले जो था वो फैक्टोरियल था, तो फैक्टोरियल इक्वल टू कोलन, फिर इधर में जो है मैं वो स्लैश एंड डाल देता हूँ न्यू लाइन के लिए, तो एक ही लाइन में नहीं आए करके आउटपुट। तो चलिए इसके बाद जो है फैक्टोरियल एंड, फिर मैं जो है वो फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ डी डॉट फैक्टोरियल जो मैंने ऊपर बनाया था, फैक्टोरियल जो फंक्शन मैंने बनाया था वो ही मैंने क्लास के वेरिएबल के साथ कॉल कर दिया है। इसके बाद हमें जो है और एक सी आउट लिख के रिवर्स नंबर को भी कॉल
कॉल करना है, तो चलिए वो भी कर देता हूँ, रिवर्स ऑफ नंबर और इसका जो वैल्यू है डी डॉट रिवर्स नंबर जो है वो हमने फंक्शन बनाया ऊपर रिवर्स नंबर लॉजिक के लिए। उसके बाद हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, जो हम ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर है जो कंडीशन चेक करने के लिए होता है। एक्सप्रेशन होता है ए क्वेश्चन मार्क बी कोलन सी, तो वो जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डी डॉट इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, फिर उसके बाद हमें चेक करना है इफ कंडीशन से ये लेगा इफ इक्वल टू वन, तो इसके बाद ये कंडीशन एग्जीक्यूट होएगा सी आउट इक्वल टू डबल कोट्स पैलिंड्रोम नंबर। फिर अगर ये पैलिंड्रोम नहीं रहा तो इधर मैंने जो है वो स्लैश एन मिस कर दिया है, वही मैं लिख देता हूँ स्लैश एन। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे उसने मिस कर दिया, अगर वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं रहा, तो जो है फिर से हमें सी आउट लिख के उसका फंक्शन लिखना पड़ेगा, सी आउट नॉट अ पैलिंड्रोम फंक्शन है सॉरी, हमें जो है नॉट अ पैलिंड्रोम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्लैश एन दे देते हैं। तो अगर जो है ये अगर ई डी डॉट इस पैलिंड्रोम इक्वल टू वन हुआ तो रिटर्न वन किया तो तब जाके पैलिंड्रोम रहेगा, या अगर ए जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सी जो है जो सी और नॉट अ पैलिंड्रोम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए ऐसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग का भी लिख देते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग का भी, तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग का डी डॉट इस आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये जब भी लिखते समय आप ज़रूर फंक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आपने फंक्शन का नाम कुछ और दिया है और यहाँ पे कुछ और दे रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये बात को ध्यान दीजिएगा कि आप कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं मेथड का नाम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर उसके बाद जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ, फिर उसके बाद हमें जो है वो वापस कंडीशनल ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो ये जो है वरना नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसके बाद चलिए सेमी कोलन दे देता हूँ मैं, फिर उसके बाद नंबर ही होने के बाद इसे जो है हमें गेट सी एच से क्लोज करना है, गेट सी एच, और हमें इसे क्लोज करना है, और इस फाइल को ज़रूर सेव कर लीजिएगा। तो जो है मैं अभी सेव कर लेता हूँ सेव एफ टू, और इस प्रैक्टिकल का नाम था 1C P1C दे देता हूँ, और इसे कंपाइल कर लेता हूँ अभी मैं, देखता हूँ कोई एरर है जी नहीं, वो वार्निंग्स है, वार्निंग्स चल जाते हैं, वार्निंग को फॉलो नहीं किया तो फॉलो उसे उतना ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है, बिना वार्निंग के हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार देखता हूँ, कुछ एरर आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूइंग फॉर नॉट अंडरलाइन, तो रुकिए मैं एक बार देख लेता हूँ, इसका कुछ एरर आ रहा है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए आप, मैं देख लेता हूँ इसको। तो जी गाइस हाँ, कोड रन हो चुका है, तो चलिए मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो है मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं जो है 7 नंबर जो है मैं वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो फैक्टोरियल आ चुका है, तो फिर उसके बाद हमें फिर से एंटर अ नंबर करना है। तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए, यहाँ पे रिवर्स ऑफ नंबर के लिए मैं 1 2 3 4 एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने रिवर्स बनाया था, तो रिवर्स का भी नंबर आ चुका है। ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, मैं स्लैश एन का वो न्यू लाइन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो आप मैं अभी अभी सॉल्व कर देता हूँ इसके बाद। तो चलिए इससे पहले मैं ये कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ, इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ इसका जो प्रॉब्लम है, तो एक मिनट रुके। उसके साथ हमें अभी पैलिंड्रोम भी डालना है, तो मैंने जैसे बताया था ये पैलिंड्रोम है, और उसके बाद 153 जो है वो पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे एरर है। तो ये जो फैक्टर है हम यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा हमें एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो है एंड ऑफ लाइन करके यूज़ करेंगे, एंड एल करके जो है वो एक कीवर्ड है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे उस कीवर्ड को एंड एल। तो इसके बाद और कहाँ पे यूज़ करना है मैं एक बार देख लेता हूँ, और कहीं पे आएगा, हाँ जी हाँ यहाँ पे भी आएगा, कि अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई हुआ तो उसे लाइन न्यू लाइन पे आना पड़ेगा। तो मैं ये कर देता हूँ एंड एल, सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ एंड एंड एल, और यहाँ पे भी एंड एल,
तो अब जो है प्रोग्राम रन होना चाहिए, वार्निंग ज़रूर आ रहा है लेकिन प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो एक मिनट रुके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ, रन हो रहा है प्रोग्राम। तो जो है मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल जैसे मैंने दिया था 7, फिर 504, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट आ चुका है 1234, और रिवर्स में आ चुका है वो नंबर, तो यहाँ पे 121। तो आपको मैं अभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कुछ और डाल के देगा, तो 153 तो जो था वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर दिया, तो ये नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग देगा क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो ये था कोड। सो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो सो थोड़ा सॉरी क्योंकि ये वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया क्योंकि उसमें कोड ज़्यादा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका जो कोड है मैं लिंक का जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और इसके पहले वीडियोस भी आप देख सकते हैं, मैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रैक्टिकल 1A और 1B का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.